साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लोगों को ये समझना चाहिए और लोगों को उनका साथ देना चाहिए जो साइकिलिंग कर रहे हैं। साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लोगों को ये समझना चाहिए और लोगों को उनका साथ देना चाहिए जो साइकिलिंग कर रहे हैं। सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है, खुद के लिए, फैमिली के लिए, सभी लोग इसमें कंसर्न रहते हैं। तो बहुत अच्छा कैंपेन है और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फर्क पड़ना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से सड़क पर चलाएं? आप लोग बता रहे हैं कि 30 की स्पीड होनी चाहिए और ओवरटेक ध्यान से करना चाहिए, क्या कुछ बताने की कोशिश? तो ये दोनों के लिए ही है, साइकिलिस्ट के लिए भी मैसेज है कि वो जितने भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, उनको लेन में चलाएं, जहां तक हो सके ग्रुप में चलाएं। दो इनका फर्स्ट राइट है रोड पे, पर स्टिल जो कार चलाते हैं या जो बाकी व्हीकल्स पे हैं उनका भी इनको ध्यान रखना चाहिए, और साथ में अलग जो दूसरे व्हीकल्स वाले हैं उनको भी थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। कार को मिलजुल के ही सड़क पे चलाना पड़ेगा। भारत में, इंडिया में हमारे पास इतनी बड़ी सड़कें नहीं हैं अभी प्रैक्टिकली, तो कहीं पे थोड़ा सा ये कॉपरेशन से ही चलना होगा, पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसी अवेयरनेस कैंपेन जो है रोड सेफ्टी को लेके है, सड़क सुरक्षा जो है आज की डेट में कोई बात ही नहीं करता इस बारे में, और खासतौर पे जब साइक्लिस्ट और पेडेस्ट्रियंस की बात होती है तो उनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। और हमारे यहाँ पर तो साइक्लिस्ट, आप देखेंगे साइकिल जो है हमेशा फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से रही है, लेकिन आज की डेट में हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं सारा गाड़ियों के अराउंड ही है। जो एक साइक्लिस्ट है रोजमर्रा के जीवन में, आप देखोगे दिल्ली के अंदर भी, कैपिटल के अंदर भी लाखों साइक्लिस्ट हैं जो कि रोज जो है सड़क हादसों के शिकार होते हैं, लेकिन वो कभी मीडिया का हिस्सा, पार्ट नहीं बन पाते या उसके बारे में कोई